अस्सलाम वालेकुम। थैलेसीमिया खून की मौरूसी बीमारी है। इस बीमारी की वजह से इंसान में हीमोग्लोबिन मामूल से कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन खून के सुर्ख खुलियों को ऑक्सीजन ले जाने की काबिल बनाता है। थैलेसीमिया खून की कमी और थकावट का सबब बन सकता है। थैलेसीमिया जब मेजर कहलाता है तो इसका मतलब ये है कि उस वजूद में थैलेसीमिया की पूरी गिरफ्त है। थैलेसीमिया के कैरियर का मतलब है कि इंसान के जिस्म में थैलेसीमिया माइनर है और उसकी ज़िंदगी कुछ हद तक नॉर्मल होती है, मगर वो इस बीमारी को अपने बच्चों में मुंतकिल कर सकता है। तो चलिए हम कुछ सूरत हाल को देखते हैं। अगर माँ और बाप में थैलेसीमिया नहीं है और वो दोनों नॉर्मल हैं तो उनके बच्चे भी नॉर्मल होंगे। अगर माँ नॉर्मल है और बाप कैरियर है तो हर बच्चे की पैदाइश में 50% रिस्क है कि बच्चा कैरियर होगा। अगर माँ और बाप दोनों कैरियर हैं तो हर बच्चे की पैदाइश पर 25% रिस्क है कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर होगा और 50% रिस्क है कि बच्चा कैरियर होगा और 25% चांस है कि बच्चा नॉर्मल होगा। अगर बाप को थैलेसीमिया मेजर है और माँ कैरियर है तो हर बच्चे की पैदाइश पर 50% रिस्क है कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर होगा और 50% ये कि बच्चा कैरियर होगा, यानी कि बच्चे नॉर्मल नहीं हो सकते, या तो वो कैरियर होंगे और या फिर उनको थैलेसीमिया मेजर की बीमारी होगी। इसके अलावा अगर किसी मर्द को थैलेसीमिया मेजर हो तो उसके बच्चे पैदा करने की सलाहियत कम हो जाती है। इसी तरीके से अगर माँ को थैलेसीमिया मेजर हो और बाप नॉर्मल हो तो 100% चांसेस हैं कि बच्चा कैरियर होगा, यानी कि बच्चे को थैलेसीमिया माइनर होगा। अगर माँ को थैलेसीमिया मेजर हो तो उसका हमल ठहरने में देर लग सकती है और अगर उसका हमल ठहर जाए तो माँ की जान के लिए खतरे का बायस हो सकता है। सवाल है, थैलेसीमिया का कैसी बीमारी है? ये खून की बीमारी या तो थैलेसीमिया मेजर कहलाती है या माइनर कहलाती है। थैलेसीमिया मेजर बीमारी की सबसे शदीद शक्ल है और थैलेसीमिया मेजर की अलामात आम तौर पर बच्चे की दूसरी सालगिरह के बाद नुमायाँ होते हैं। इस हालत में मुतालिक शदीद खून की कमी हो जाती है, बच्चा कमज़ोर हो जाता है और उसे खून की ज़रूरत होती है। हर महीने उसे 6 से 8 बोतल खून की ज़रूरत होती है। बार बार खून मिलने से उसके जिस्म में और भी पेचीदगियाँ होती हैं और इन पेचीदगियों को कम करने के लिए उसको बहुत सी दवाएं लेनी पड़ती हैं। ऐसे बच्चों के जिस्म में फौलाद के की आज़ा में चले जाने की खतरा है और जिस्म में ऑक्सीजन से महरूम हो जाता है। जिस्म के अहम आज़ा मसलन दिल, जिगर, गुर्दे सही तौर पर काम नहीं कर सकते। माँ, बाप और पूरे ख़ानदान को माली, जिस्मानी, जहनी, नफ्सियाती दबाव होता है और हर महीने
हजारों रुपए खर्च होते हैं। थैलेसीमिया मेजर का आखिरी इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, मगर कुछ बच्चों को ये भी कामयाब नहीं हो सकता। ये इलाज खास सेंटर्स में किया जाता है और ये इलाज भी बहुत महंगा होता है। जिन बच्चों को थैलेसीमिया मेजर की तकलीफ हो जाती है, उनकी ज़िंदगी नॉर्मल बच्चों की ज़िंदगी से बहुत कम होती है। इन बच्चों को बहुत जल्द इन्फेक्शंस भी लग जाते हैं। क्योंकि ये बीमारी हमारे खित्ते में बहुत आम है, लिहाजा कोशिश करें कि थैलेसीमिया कैरियर को एक और कैरियर से शादी नहीं करनी चाहिए। शादी से पहले हर बालिग फर्द को मालूम कर लेना चाहिए कि उसके खून में थैलेसीमिया के असरात हैं या नहीं। अगर हों तो जिस शख्स से शादी होने जा रही है उसका खून का टेस्ट भी होना चाहिए, और अगर उसके खून में थैलेसीमिया के कुछ असरात हैं तो फिर ये शादी बहुत मुश्किल साबित हो सकती है। इसके साथ ही आज का वीडियो इख्तिताम को पहुंचा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें, बेल का आइकॉन दबाकर आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।